Welcome YouTube friends. Today we are going to study the topic of grammar, gerund. What is a gerund? The form of a verb ending in ing. यानी ये जो verb है ing के रूप में, जैसे he is dancing, she is smiling, तो ये सब present continuous हुआ. लेकिन जो verb form है वो इसी प्रकार होगा, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, आईएनजी के रूप में पहचानोगे, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो विभिन्न होगा. जैसे जीरन में क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म होगा लेकिन उसका जो फंक्शन रोल होगा वो नाउन होगा. तो परिभाषा ऐसे हो जाता है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब एंडिंग इन आईएनजी बट इट प्लेस द रोल ऑफ अ नाउन. और इसको अच्छी तरह समझते हैं. A verb which plays the role of a noun is a gerund. Verb which plays the role of a noun. तो ख्याल रखिएगा क्रिया है, right? लेकिन रोल क्या प्ले करती है? नाउन का. जैसे जो क्रिया था विशेषता की रोल करती है तो उसको क्या बोला जाता था? पार्टिसिपल. और verb which plays the role of an adjective is called participle. तो लास्ट क्लास में हम समझाया थे आपको कि पार्टिसिपल क्या है. आज समझते जीरण क्या है. तो यहाँ पे भी उसका जो फॉर्म होगा वो वर्ब का पैटर्न ही होगा लेकिन रोल जो होगा वो नाउन का होगा. इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वर्बल नाउन कहा जाता है. इट्स आल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन. सो होप यू मस्ट हैव सीन दिस वीडियो. एस्पेशली डिमांड था जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव वगैरह का, कि कमेंट बॉक्स में एज वेल एज कहीं व्हाट्सएप में पर्सनली मुझे बताया था कि सर ये टॉपिक बिल्कुल हमें नहीं आता है या ये डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई वे में समझाइएगा. तो जीरण को परिभाषा ये है. नेक्स्ट क्लास में आपको इन्फिनिटिव भी समझाएंगे, राइट? सो व्हाट इज एन इन्फिनिटिव. अभी जीरण क्या समझते हैं. पार्टिसिपल अगर आपको देखना है तो आप देख चुके होंगे, राइट? जो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, इंग्लिश विद नाहर, और राइट में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए तो अलर्ट मिलते रहे. तो ये जो चैनल है इंग्लिश विद नाहर, इसमें आपको मिल जाएगा पार्टिसिपल, वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार, सब प्रकार के वीडियो ग्रामर के, राइट? और अगर आप इसमें सब्सक्राइबर हो तो आप फ्री रजिस्टर भी कर सकते हैं वेबसाइट जो है ssnair.org, नीचे आप देख पाएंगे, उसको जोड़ कर दीजिए और उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा. पहली बार रजिस्टर कर ही दीजिए, बाद में आपको सिर्फ लॉगिन करने से ही कंटेंट जो है ग्रामर के सब मिल जाएंगे आपको. एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश विद नाहर, इस पर आ जाइए और इसमें भी वीडियोस मिल जाएंगे, खासकर प्लेलिस्ट जो है ग्रामर के. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जो है लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको इसके बारे में, राइट? सो वंस अगेन आई वेलकम यू टू दिस चैनल इंग्लिश विद नाहर. तो ये परिभाषा आपने समझा. व्हाट इज अ जीरंड? जीरंड इज अ वर्बल नाउन, अ वर्ब विच प्लेस द रोल ऑफ अ नाउन, राइट? तो once again I would like you to continue what we are doing. Now we have seen the definition, now let us proceed further. तो आगे हम देखेंगे कि जीरंड क्या है. Walking along the road, you met with an accident. ये sentence देखिएगा, walking along the road. तो last time आपको participant समझाया, विशेषता बता दी. अभी यहाँ he is walking बताया तो present continuous हो गया, लेकिन वॉकिंग अलोंग द रोड ही मेट विद एन एक्सीडेंट, रोड पे चलते हुए उनको एक्सीडेंट हो गया. तो वॉकिंग अलोंग द रोड ये उसकी विशेषता बताए, कौन से व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ? जो चल रहा था, राइट? तो उसकी विशेषता बता रही है. तो वर्ब है वॉकिंग लेकिन विशेषता बता रही है तो ये पार्टिसिपल हुआ, और आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो इस प्रकार आपको पहचानना है. तो ये ग्रामर का जो टॉपिक है, राइट? सो वॉकिंग अलोंग द रोड ही मेट विद एक्सीडेंट इज अ पार्टिसिपल एंड इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. व्हाई इज पार्टिसिपल? बिकॉज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव. लेकिन सेकेंड सेंटेंस देखिएगा आप नीचे, वॉकिंग इज अ फाइन एक्सरसाइज.
नाउ यहाँ देखो विशेषता नहीं है, वॉकिंग इज अ फाइन एक्सरसाइज. व्हाट इज अ फाइन एक्सरसाइज? वॉकिंग इज अ फाइन एक्सरसाइज. तो ये सब्जेक्ट के रूप में लिया जा रहा है ना. इसमें सब्जेक्ट यहाँ क्या है? नाउन है. सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए नाउन. जैसे कुछ चीज हो ऐसे बता रहा है. डेस इज अ फाइन एक्सरसाइज. मैंगो इज अ फाइन फ्रूट ना, समथिंग लाइक दैट. सो ये वॉकिंग जो है यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ कोई क्रिया नहीं है, कोई अभी वॉकिंग नहीं कर रहा है. वॉकिंग इज अ फाइन एक्सरसाइज कि ये जो है कार्य चलने का वो एक अच्छा एक्सरसाइज है. तो यहाँ कोई पर्टिकुलर आदमी या व्यक्ति कोई चल नहीं रहा है, लेकिन वॉकिंग इज अ फाइन एक्सरसाइज, लेकिन चलने का क्रिया है वो एक अच्छा व्यायाम है. तो नाउन के रूप धारण कर रही है. भले लिखा है वॉकिंग, लेकिन नाउन प्ले करता है, दैट इज जिरन. सो वॉकिंग इज अ फाइन एक्सरसाइज. हियर इट्स नॉट एन पार्टिसिपल, इट्स अ जिरन बिकॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ नाउन. होप यू आर गेटिंग इट. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. ट्राई डूइंग इट दिस वे. ट्राई डूइंग इट दिस वे, राइट? ट्राई टू डू दिस वे, दोनों में डिफरेंस है. ट्राई डूइंग इट दिस वे, ये क्या हो गया? जिरन हो गया. बट इफ आई से ट्राई टू डू दिस वे, देन इट बिकम्स इन्फिनिटिव. तो इसी क्लास में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं इन्फिनिटिव. इसके लिए पहचान तो जाओगे आप कम से कम. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, दैट इज इन्फिनिटिव. एंड देयर इज आल्सो बेयर इन्फिनिटिव जिसमें टू नहीं लगता है. तो वो हम लोग एक्सक्लूसिवली दूसरी क्लास में समझेंगे. अलग से एक वीडियोस आपको अपलोड होगा इस चैनल में और इन्फिनिटी क्या है समझाया जाएगा. लेकिन अभी कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं तो आपको क्या रहो कि इस प्रकार भी बोल सकते हैं, इस प्रकार. ट्राई डूइंग इट दिस वे अगर बताया तो डूइंग क्या हो गया? चिरन हो गया बिकॉज नाउन का प्ले कर रहे. ट्राई डूइंग इट दिस वे. लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसे लिखा है ट्राई टू डू इट दिस वे, देन इट्स अ इन्फिनिटिव, इट्स नॉट. सो जिरन पहचानने का पहला जो है फॉर्मूला ये है कि हमेशा वर्ब आईएनजी होगा, वो प्लस आईएनजी, ये पैटर्न होगा. सेकंड थिंग, इट विल प्ले द रोल ऑफ अ नाउन. ही हैज बिगन वर्किंग. ही हैज बिगन वर्किंग. वर्किंग देखो आईएनजी फॉर्म में पहचान लोगे कि या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या जिरंड है या पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो यहाँ देखो कोई विशेषता नहीं है तो क्या हो गया? जिरंड हो गया. ही हैज बिगन वर्किंग हार्डर. ही हैज बिगन वर्किंग हार्डर. तो आजकल ज्यादा मेहनत कर रहा है. इज बिगन वर्किंग हार्डर. सो हियर वर्किंग इज जीरेंड बिकॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ नाउन. लेकिन ही हैज बिगन टू वर्क हार्डर, ऐसे भी बोल सकते हैं. ही हैज बिगन टू वर्क हार्ड, देन इट इज एन इन्फिनिटिव बिकॉज देयर इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब. तो पहचान लोगे आई एन जी रूप है तो नाउन के रूप कर रहा है, देन इट्स अ जीरेंड. अवर प्रॉब्लम इज फाइंडिंग मनी. व्हाट इज अवर प्रॉब्लम? व्हाट इज अवर प्रॉब्लम? और दूसरा टेक्निक क्या है कि आप जीरन को पहचानना है तो व्हाट करके पूछो. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अ प्रॉब्लम इज फाइंडिंग जीरन. अ प्रॉब्लम इज फाइंडिंग मनी, राइट? अ प्रॉब्लम इज फाइंडिंग मनी. सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? फाइंडिंग मनी. तो फाइंडिंग मनी पूरा एक नाउन का रूप धारण कर रही है, राइट? फाइंडिंग इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ नाउन, सो इट्स जीरन. सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर डन. आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर डन, ठीक है. आई रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर. आई रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं. लेकिन आई रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर क्या होगा? मैंने याद किया टू पोस्ट द लेटर, मीन्स जब याद किया तभी उसने पोस्ट नहीं किया था, करना था उसको लेटर भी. लेकिन यहाँ बोलूंगा आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, दैट मीन्स क्या हुआ? जब वो याद आया तो वो पोस्ट कर रहा था. इट इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली. और इन द अदर वर्ड्स द एक्शन इज डन. आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, मुझे याद आया लेटर पोस्ट किया, मीन्स कार्य हो गया है. आई रिमेंबर, मुझे याद आया पोस्टिंग द लेटर, जो हरकत मैं कर रहा था पोस्ट कर रहा था वो मुझे याद आया. दैट मीन्स रिमेंबर बाद में हुआ, पोस्टिंग पहले हो गया. लेकिन अगर बोलूंगा आई रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, इसका मतलब याद पहले आया और पोस्ट अभी करना बाकी है. होप यू गेटिंग इट. थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा लेकिन समझ लीजिएगा अच्छी तरह. आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, यानी आप नाउन यूज करते हो पोस्टिंग के रूप में, यानी जिरन यूज कर रहे हो या आप भी पार्ट इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं. तो कहाँ पे इन्फिनिटी यूज करना है, कहाँ जीरन हुआ, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. इन्फिनिटी की तरह अभी होना बाकी होता है और जीरन क्या हो गया. जैसे ये एग्जांपल में आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, यानी मुझे याद आया जो लेटर पोस्ट करा था वो तो हो चुका है. वर्क इज डन, द पोस्टिंग लेटर इज डन. बट इफ यू सी अनदर एग्जाम्पल, दैट इज आई रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, इसमें क्या हुआ कि एक्शन अभी बाकी है. कौन सा? पोस्ट करना. मुझे याद आया पोस्ट करना, तब जाकर मैंने पोस्ट किया, एक्शन बाकी है, तो इसलिए मैं इन्फिनिटी यूज कर रहा हूँ.
तो फर्स्ट में जीरंड है और सेकंड में इन्फिनिटी है. फर्स्ट में द लेटर हैज बीन पोस्टेड एंड इन सेकंड द लेटर इज येट टू बी पोस्टेड. अभी लेटर पोस्ट करना बाकी है. तो इसको फंक्शनल ग्रामर कहते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोअर क्लासेज यू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स द स्ट्रक्चर ग्रामर एंड देन हायर क्लास यू अंडरस्टैंड द फंक्शनल ग्रामर. तो मैं आपको पैरेलली दोनों समझाता था हूँ ताकि आपको ईजी लगे, राइट. सो नाउ वील डिस्कस अबाउट वर्बल नाउन पोजिशन, यानी कहाँ पे होता है इसका पोजिशन वर्बल नाउन, जीरण कहाँ पाया जाता है. आगे यूज कर सकते हैं, पीछे यूज कर सकते हैं, बीच में, वेर आर द थिंग्स. फर्स्ट एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं. जैसे इसमें स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. नाउ हियर यू अंडरस्टैंड स्विमिंग इज नाउन, प्लेइंग द रोल ऑफ अ नाउन. पैटर्न देखो आईएनजी दिखता है लेकिन नाउन के रूप धारण कर रही है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. सो स्विमिंग इज वॉट चिरंट. नाउ इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट. एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब द पुलिसमैन केप्ट ऑन मेकिंग नॉइस. द पुलिसमैन केप्ट ऑन मेकिंग नॉइस. तो यहां देखिएगा मेकिंग द पुलिसमैन केप्ट, केप्ट वॉट मेकिंग नॉइस. सो इज प्लेइंग कंप्लीटिंग द सेंस ऑफ कैप्ट. तो यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ कैप्ट है. सो जिरंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जा सकते हैं, पीछे है आप देखोगे तो कैप्ट के बाद है, वर्ब के बाद है, वो ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब से पहले है वो सब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पे जो है द पुलिस मैन कैप्ट ऑन मेकिंग नॉइस ऑब्जेक्ट के बाद है और ये सॉरी वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट के रूप में. द पुलिस मैन कैप्ट ऑन मेकिंग नॉइस. This is playing the role of an object. So, gerund could be a subject. Gerund could also be an object. The object of a verb. Just another example. I enjoyed watching the match on the TV. I enjoyed what? Watching the match on the TV. So, yeah, what position is it? So, kriya ke baad aaya. तो ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर पहले होता है तो सब्जेक्ट के रूप में. तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब एंजॉयड को पूरा कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है. सो इज प्लेइंग द रोल ऑफ नाउन एंड एज एन ऑब्जेक्ट. सो प्लेस उसका क्या हो सकता है, वर्ब के बाद में हो सकता है, वर्ब के पहले भी हो सकता है. वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट हो गया. जैसे ये एग्जाम्पल में आपको ऑब्जेक्ट के रूप में है. ऐसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ और फॉर के बाद पाया जाता है. आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग. आई एम टायर्ड ऑफ व्हाट वॉकिंग. तो यहाँ वर्ब नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. सो आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग. बट यू नो मोस्टली वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट एंड वी गेट आंसर दैट इज जीरंड और उसका रूप जो होगा आईएनजी होगा. दिस इज द प्लेस फॉर रेस्टिंग. सॉरी This is the place for resting. For के बाद और resting है जी. So this is the place for what? For resting. So you ask the question what and you get an answer. That means it's playing the role of an object. So this is the place for resting. Object of preposition for. तो of or for के बाद ing रूप लगते हैं. I am tired of to wait नहीं बोलेंगे कभी, क्या लगना. I am tired of wait. That is wrong English. I am tired of walking. I am tired of waiting. Not wait. This is the place for resting. Right? So after prepositions like of and for, gerund are used and it is playing the role of an object, object of the preposition. As a complement of the verb, आप complement समझते हो? SVO pattern, subject verb object होते हैं, subject verb complement. The aim is learning good English. The aim is learning good English. The aim is What is the aim? The aim is learning good English. तो इसके बाद ओके ये कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है. इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज व्हाट इज द एम. एम इज लर्निंग गुड इंग्लिश. लर्निंग गुड इंग्लिश. सो लर्निंग एक नाउन के रूप में यहाँ पे है. दिस इज जीरन एंड इट इज आफ्टर द वर्ब. सो आइदर इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट और इट कुड बी कॉम्प्लीमेंट बिकॉज नाउन आफ्टर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सॉरी आफ्टर वर्ब इज मोस्टली ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ नाउन है लर्निंग
और इसलिए वर्ब की बात है तो कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? बिकॉज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, या एम इज, क्योंकि कार्य नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य है वर्ब है और एक्शंस होते हैं, तो उसके बाद है वो ऑब्जेक्ट होता है। या कॉम्प्लीमेंट, द एम इज, व्हाट इज द एम? लर्निंग गुड, सो इज अ कॉम्प्लीमेंट राइट ऑफ द वर्ब इज। सो वंस अगेन इट कुड बी यू नो ऑब्जेक्ट, इट कुड बी सब्जेक्ट, इट कुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इट कुड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट कुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। दिस आर द रोज एज अ सब्जेक्ट विद द पोसेसिव। द फिफ्थ प्लेस, आई डोंट माइंड यू आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन, यू आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन, यू आर, देखोगे पोसेसिव वर्ब है, सॉरी पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद ये पाया जाता है ज्यादातर जिरंड। आई डोंट माइंड योर सेल्फिश एटीट्यूड, ऐसे बोला ठीक है, यू आर सेल्फिश, बट इज एन एडजेक्टिव। बट इफ आई से आई डोंट माइंड यू आर बीटिंग हिम, ओके वो माइंड नहीं कर रहा, तुमने उसको मारा ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, आई डोंट माइंड यू आर बीटिंग हिम, ओके। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद ये पाया जाता है। सो इट्स प्लेइंग वंस अगेन एज अ सब्जेक्ट बट विद अ पोसेसिव प्रोनाउन। सो आई डोंट माइंड यू आर आस्किंग, सो दे आर ऑल्सो दे हैव पोसेसिव प्रोनाउंस बिफोर देम। सो होप यू अंडरस्टूड, बेसिक कंसेप्ट समझा दिया आपको, और पोजिशन कहाँ पे है उसका, ओके okay. कैसे, हाउ डज इट प्ले द रोल, वेर इट कुड बी एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, इट कुड बी एज अ कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, एंड इट कुड बी ऑल्सो बी एज पोजेसिव, यू नो आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउंस, सो इट एज अ सब्जेक्ट। सो होप यू अंडरस्टूड इट। ये वीडियो अगर पसंद आया तो ऑब्वियसली आप इसको लाइक बटन दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट अलर्ट्स एंड वॉच द मटेरियल द वेबसाइट ssnayak.org। आफ्टर गेटिंग योर सेल्फ रजिस्टर्ड इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन गेट द कंटेंट देयर, बट देर इज नो यूज ऑफ कॉपी पेस्टिंग द मटेरियल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, एंड फॉर दैट यू हैव टू सी दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद Nair. Right. So we are getting it. Have a good day. Take care and stay tuned with me. Thank you.